जय श्री राम दोस्तों, आज 10 सितंबर मंगलवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट हो गई है और मार्शल इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी है, तो बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपको दिखाएंगे, आप हमारे से बने रहिए। मित्रों, ये लालू और मोटू गुलिया जी सेवा करते हुए बहुत बढ़िया। सुदामा जी आज नहीं आए हैं, सुदामा जी घायल भी हैं, थोड़े से परेशानी में है, कल कोशिश करेंगे उनके लिए दवा लेके आए। किसी उनके साथी ने ही उनके दांत मार दिया है, तो बेचारे दर्द से परेशान हैं। हो रही है भाई मॉर्निंग, सुबह 5:15 बजे टाइम। ये पार्क का व्यू दिखा रहा हूँ सुबह सुबह। अभी बिल्कुल अंधेरा है, अगर लाइटें नहीं हो। तो नज़र भी नहीं आएगा। और इधर का भी देखो, उधर मार्सी रस्सी कूदने में लगे हुए हैं। और इधर अभी जो फाउंटेन है वो शांत है बिल्कुल। और दोस्तों, हमारी जो है 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग, उसके बाद में हमारा कार्डियो, फिर मसल ट्रेनिंग और रस्सी कूद करने के बाद ये है हमारी बेली फैट की एक्सरसाइज। सर 4 एक्सरसाइज करेंगे, ये पहली एक्सरसाइज है। और ये सर की बेली फैट की सेकंड एक्सरसाइज, ये भी 30-30 के 3 सेट लेंगे। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, आप भी अपने वर्कआउट में शामिल कर सकते हैं इसे। और ये है 3rd एक्सरसाइज, ये भी सेम रिपीट करनी है। और ये सर की है 4th एक्सरसाइज, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन, ये भी 30-30 के 3 सेट। और ये सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, जय हो सूर्य भगवान की। मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपाल भाती, 100-100 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। प्राणायाम से हमारे आंतरिक शांति के साथ साथ हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनका भी व्यायाम होता है, मन शांत रहता है, और जो भी हमारे पूरे दिन के कार्य हैं उन्हें हम जिम्मेदारी से पूरा कर पाते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये अनुलोम विलोम 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। देखिए, जितना आप नेचर के नज़दीक रहोगे, जितना नेचर को समझोगे, उतना आपकी समझ में आएगा कि ये जो घास है ना जिस पर हम बैठे हैं, ये जो तिनका है जिसे हम बहुत तुच्छ समझते हैं, उस तिनके को बनाने में भी ईश्वर ने उतनी मेहनत की है जितनी हमें बनाने में की है। बहुत बढ़िया सर। ये भ्रामरी, और भ्रामरी को आप जितने बार रिपीट कर सकते हो उतने बार रिपीट करिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारी बुद्धि से है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता से है। देखिए, जितने हमारे निर्णय सही होंगे उतनी गलतियां कम होंगी, और जितनी गलतियां कम होंगी उतने ही हम दुखी कम होंगे। तो इसका संबंध हमारे सुख से है, क्योंकि हमारे निर्णय सही होंगे, और निर्णय सही होंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये ओम का जाप, देखिए ओम का जाप, इसके बारे में क्या कहें, इतना शानदार प्राणायाम है ये कि जब भी आप अपने आप को जानना चाहते हो, अपने भीतर की तरफ मुड़ना चाहते हो, तो शुरुआत इसी से करिए। और ध्यान यही रखना है कि वीपी आपका हाई है तो स्वर को लो रखेंगे, वीपी लो है तो स्वर को थोड़ा तीव्र रखेंगे। और जितना अभ्यास इसका कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से देखें तो 5 मिनट तक इसका अभ्यास करिए, गिनती के हिसाब से देखें तो 21 बार आप इसका जाप करिए। बहुत बढ़िया सर। और ये योगा,
गर्दन पायल। अब आप महसूस करो कि जो स्ट्रेच है वो अलग अंगों पे पड़ रहा है। जब हम मिलाकर करते हैं तो अलग अंगों पे स्ट्रेच आता है, और जब खोल के करते हैं तो अलग। चेंज करो साइड। कुछ लोग तो वॉक भी ऐसे करते हैं कि शरीर में कुछ एक्टिवेशन होता ही नहीं, वॉक भी करते हैं तो थोड़ा। जय सियाराम मित्रों, आज है 10 सितंबर 2024। देखिए आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक छोटी सी कहानी तीन झोली वाले फकीर की। तो एक फकीर था, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता था, लेकिन लोग बड़े हैरान होते थे उसे देख के कि तीन झोलियां क्यों लटकी हुई हैं उसके। एक तो बहुत सुंदर सफेद पर एकदम खाली, बहुत बढ़िया, और एक तरफ लटकी हुई थी बेकार फटी हुई गंदी सी, और एक उसके सामने लटकी हुई थी जिसमें वो जो भी भिक्षा मिलती थी उसमें डाल लेता था। एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया कि भाई ये कारण क्या है, आप तीन तीन झोली लेके आते हो, भिक्षा आप एक में ही डालते हो। तो फकीर ने कहा कि भाई ये भिक्षा मैं तीनों में डालता हूँ, ये जो है जिसमें मैं अपनी भिक्षा डालता हूँ वो मेरे जीवन यापन के लिए है, और जो ये सुंदर सी है ना, लोगों से जो मुझे प्रेम मिलता है, अच्छाइयाँ जो हैं उन लोगों की, वो मैं इसमें डालता हूँ और बड़ी संभाल के रखता हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये बड़ी बड़ी कीमती है और सुंदर है। और ये जो है जो मुझे लोगों से घृणा मिलती है, नफरत मिलती है, बुराइयां लोगों की, वो मैं इस वाली झोली में डालता हूँ। देखिए मित्रों, हमारी भी यही कंडीशन है, हम लोगों की अच्छाइयों को दरकिनार करते हैं, बुराइयों पर बड़ा ध्यान देते हैं। किसी ने हमारे साथ 9 अच्छे काम किए, एक गलत कर दिया, उसी को गिनवाते फिरेंगे। देखिए जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है, लोगों की अच्छाइयों को देखिए, अच्छाइयों को संभाल के रखिए, प्रेम को संभाल के रखिए, और जो लोगों की बुराइयां हैं, नफरत है, उसे साइड में रखिए। देखिए किसी भी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, हम ये मानते हैं कि कोई घटना किसी के साथ घटी है उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन बुद्धिमानी समझदारी और ज्ञान उसी को कहते हैं कि कितनी जल्दी आप उससे बाहर निकल आते हैं। हमारे साथ बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।